हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं गुलत्ती। बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है, तो चलिए जल्दी से आइए इसके देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। मैंने यहाँ ले लिया है 1 लीटर के अराउंड दूध और 1 मुट्ठी भर के मैंने यहाँ लिए हैं चावल। चावल मैंने ओवरनाइट सोक करके रख दिए थे। और मैंने यहाँ लिया है मावा, देसी घी लिया है मैंने 2 टीस्पून, और मैंने 4 इलायची ली है, सेफ्रन ली है, और 7 से 8 मैंने काजू और बादाम मैंने भिगो के रख दिए थे ओवरनाइट, और मैंने शुगर ली है, ये है केवड़ा वाटर। अब हम सबसे पहले ये सोक करे हुए राइस को, इसको हमें पीस लेना है, तो हम एक ग्राइंडर में इसको पीस लेंगे। इसका हमें पानी निकाल देना है सारा, और राइस को इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, और जो मैंने ड्राई फ्रूट्स भिगो के रखे थे वो भी इसमें हम डाल देंगे। हमें ड्राई फ्रूट का प्यूरी बनाना है चावल के साथ, एकदम बारीक सी, और ये मैंने इसमें कार्डमम भी डाल दिया है, और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, हमें इसका बिल्कुल एकदम स्मूथ पेस्ट चाहिए, कुछ इस तरह से। ये देखिए, इसको हमने पीस लेना है। अब हम लेंगे मिल्क और इसको हम बॉईल करेंगे। ये देखिए, हमें धीरे धीरे इसको बॉईल करना है, और हमें बीच बीच में चलाते रहना है वरना ये लग जाएगा। अब हम इसमें ये डाल देंगे अपनी प्यूरी और हम इसे मिक्स करेंगे। जो भी बचा हुआ था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे शुगर। शुगर मैंने 1 कप के अराउंड ली थी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितनी आपको पसंद है आप ले सकते हैं शुगर। ये मैंने कुछ थ्रेड्स डाल दिए हैं सैफ्रन के इस। और अब मैं इसमें डाल दूंगी ये खोया। इसे हमें बीच बीच में चलाते रहना है वरना ये नीचे से लग जाएगा और फिर आपकी खीर बिल्कुल बेकार हो जाएगी। ये देखिए, बीच बीच में हमें अच्छे से इसको चलाना है। और मैंने यहाँ देसी घी भी डाल दिया है। देसी घी डालना बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है खीर में, और हमारी खीर बहुत ही रिच बन के तैयार होती है। और अब मैं इसमें डालूँगी केवड़ा वाटर, इसको हम देख लेंगे इसकी कंसिस्टेंसी। ये देखिए, आप अपने हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे थोड़ी सी थिक पसंद है, तो मैं ऐसे चेक कर लूँगी इसमें उल्टा करके स्पून में, ऐसे फिंगर लगा के आप देखेंगे कि आपको कितनी थिक चाहिए। अब हम इसे सर्व करेंगे। खीर खाने का असली मज़ा ये मिट्टी के बर्तन में ही है, तो मैंने एक मिट्टी की प्याली में खीर को ट्रांसफ़र किया है। और ये देखिए आप, मैं इसको गार्निश करूँगी बादाम से। बहुत ही मज़ेदार खीर बनके रेडी हुई है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।